हम लोग देख रहा है कि और ये SIC ने जो पेपर लिखे इसके बारे में वो लोग टेकअप किया है। इसके बाद में आया है ये CBI को बुलाया है। ये दोनों में किसका रोल कैसा हुआ है, उन्होंने कितना काम किया है, उसको ये डिटेल जानने के लिए हम लोग गया है। तो हम लोग जान चुका है, बहुत अच्छा से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो पेपर लीकेज का बात भी आगे जाके 2017 तक वो लोग जाके अभी बहुत सारे लोग यही लोग को यही जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, पैसा दे के जो अपॉइंटमेंट हुआ है, सबको पकड़ा गया है। और सब और भी कोई पकड़ना है, अभी तक 32 ऑफिशियली 32 था, आज रात गया, कल रात में और भी 2 पकड़ा बोला है, टोटल 34 हो गया। तो वो अच्छा काम किया हुआ को हम लोग को अप्रिसिएशन करना है। और कुछ उन लोग को कमियाँ कुछ है तो हम लोग भी व्यू को एंडोर्स करने के लिए गया है। तो हम लोग जितना भी उन लोग को इनको जितना भी सजेशन देना है हम लोग सजेशन भी दे दिया है। और जो उन लोग अच्छा काम किया है वो कहाँ कहाँ में किया है, कहाँ में और करना है, वो भी हम लोग को अपना व्यू को PPA की तरफ से दे दिया है। अभी तक सेटिस्फाई नहीं बोल के हम लोग बोल के आया है, और करना है, और डिटेल करना है, आपका ब्रॉडिंग करना है, वाइड उसको वाइड रेंज में करना है कि जिसको भी अरेस्ट किया है अभी इमीडिएटली आप लोग चोर के करने से आपका सारा इन्वेस्टिगेशन खुद में हो जाएगा, इसलिए चोरना भी नहीं है। और पार्टनर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके सारा दूध का दूध पानी का पानी निकलना चाहिए, उसमें किसका स्क्रीन का पीछे में कौन है वो भी हम लोग बात हुआ है। कौन ये किसका गवर्नमेंट का रोल क्या है, आपका रोल क्या है, आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं ना क्या कर रहा है, और कहाँ तक और किसने कैसा करके जो पैसा दिया था वो पैसा को कहाँ में रखा है, कैसा है, और ये वो सब बात डिटेल बात क्या है, एक घंटा ज़्यादा बात किया है आपस में, होमली इंट्रैक्शन किया है, वो भी सारा बात बताया है। और हम लोग भी सोच विचार जो हम लोग जिस पर्पज के लिए आया है हम लोग डिटेल बात किया है, वो हम लोग सेटिस्फाई है और जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन हम लोग का एक सजेशन है अभी उसी में आप छोड़ना नहीं, आगे और भी जाना चाहिए। वो भी बोला और आप लोग का पास में कोई इनपुट है या कुछ किसी ने आपको कोई मटेरियल देने वाला आइडिया देने वाला सबसे ये का सबूत का साथ कुछ है तो भेज दीजिए और भी हम लोग उसके भी बात करेगा। ये ऐसे बोल के हम लोग बात को वहाँ में उसी में खत्म हुआ है। की होल्डर है उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? की होल्डर अभी वो उसी के बारे में एक आदमी ये पहले 2 कीता बोला है और बाद में जाकर 3 की हो गया। 3 की को किसने होल्ड किया है उसके बारे में हम लोग पूछा है तो वो बोला है हम लोग लेटर ऑलरेडी लिख चुका है, उसको वो जवाब मिल जाएगा विद इन अ डे, 1-2 का अंदर में जवाब मिल जाएगा और कौन हैंडल किया। लेकिन कोबर ऑलरेडी बारबेली पूरा मिल चुका है बोला है, वो कोई ये का आपका मेंबर का PSC का मेंबर का पास में नहीं है, वो विद इन सेक्रेटरी के अंदर में एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में इसमें है बोल के अभी ऐसे हम लोग को जो स्टेप का बताया है। और वो की का प्रोसीड्योर की कौन रखना है, लेट डाउन जो मैंडेटरी प्रोसीड्योर को हम लोग को किताब को भी दिखाया है। तो हम लोग पूछा है आपका नंबर 3 की किस क्यों 2 का 2 वही होना चाहिए, 3 किस लिए हुआ है, हम लोग वही है वो पूछा है, वो जवाब दिया है और जवाब ये है कि वो 1-2 का अंदर में हम लोग पूरा जवाब मिल जाएगा बोले। सर अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ क्लर्क और ब्रोकर्स को ही पकड़ा जा रहा है, अभी तक तो कोई हायर ऑफिशियल लोगों का नाम नहीं आ रहा है, इसका ऊपर में आप लोग कुछ मुद्दा उठाया कि नहीं उनसे? हाँ वो मुद्दा उठाया, हायर ऑफिसर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बोला है वो कि तकिक जरंग ही सबको कुछ ये दे रहा है आइडिया और ये उससे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और पार्टनर ये हाई अथॉरिटी बोल के अभी तक नहीं देख पा रहा है बोला है। और हम लोग सजेस्ट किया है कि उन लोग के पास में जो कमीशन का मेंबर को चोर के इतना दिन तक कैसे ये इतना ये पैसा कलेक्शन करके चल रहा था, उस समय में इसे कमीशन का मेंबर लोग कहाँ में था, ये इतना तक हम लोग पूछ। लेकिन वो भी उसका आप अगर इसका ऊपर में
कुछ सबूत है, कुछ ऐसे दाउत है, ऐसे होने से आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, हम तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा बोल के ये बोला है वो। ये निपो नाबम है, उसका अपडेट क्या है? नहीं नहीं, हम इंटर राइट प्रूम चेयरमैन टू ऑल मेंबर्स, उसको पर्सन टू पर्सन इन्वेस्टिगेशन करके उन लोग कैसा है, क्या कौन बैकग्राउंड कहाँ में क्या है, वो सब आप लोग काम करता है कि नहीं वो इतना तक भी पूछा है। लेकिन वो ये बोला है कि सबको हम लोग ये क्वेश्चन दे के, क्वेश्चन लिख के रख के आप ये जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए, इतना तक भी पूरा ओरल एक्सरसाइज पूरा हो चुका है बोला है। तो सर आप लोग जो एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी है सर, तो अभी इतना लोग साथ दे रहा है, फिर स्टेप बैक हो जाता है, तो सर आप लोग कौन कितना एक्सटेंड तक ये इश्यू को लेके आप लोग साथ देगा? हम लोग को भी विड्रॉ होने वाला भी नहीं, और जब तक ये अरुणाचल रहेगा और पीपीए तो रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा ना हम। ये इशू तो बहुत अच्छा इशू है, और अरुणाचल को लूप को समझदारी समझने के लिए ये तो इस इशू तो हम लोग आगे ले जाएगा। हाँ हम लोग मतलब बिना कारण से तो आगे नहीं ले जाएगा, विथ माने प्रूफ का साथ, एविडेंस का साथ में हम लोग आगे जाएगा। ठीक होगा तो ये सही हुआ है बोला, ठीक नहीं होगा तो वो ठीक नहीं बोलेगा, और ठीक होने से भी क्यों होने दिया था वो फ्यूचर में हम लोग वही क्वेश्चन आते रहेगा। सर अभी देखा जा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी टाइम लग रहा है, अभी 4 महीना बीत चुका है, और SIC का मतलब बात ये लोग 90 डेज तक और इन्वेस्टिगेशन होगा जो कि जनवरी तक है। तो एस्पिरेंट्स लोग और कितना देर तक रुकेगा, मतलब आप लोग उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहे तो अपना, उन लोगों का टाइम जो निकल रहा है अभी इसके ऊपर में आप लोग कुछ मैसेज देना चाहें? नहीं नहीं, अभी हम लोग तो वही अपील करेगा गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट जो एस्पिरेंट्स लोग का जो सेटिस्फेक्शन लेवल तक काम कर देना है, और ये जो टाइम फ्रेम तो कोई सवाल नहीं पड़ता है, टाइम ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो आगे भी 2-3-4 महीना तक भी इन्वेस्टिगेशन तो चलते रहना है, और इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरा का पूरा निप अप नहीं करेगा, निप इन बात वो नहीं होगा, वो कभी होने अरुणाचल के लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए वो लोग जो बच्चा लोग एक्सपीरियंस लोग जो डिमांड कर रहा है उसको गवर्नमेंट फुलफिल करते देना है।